हेलो दोस्तों, डॉग सेंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में लोग बात करेंगे मुधोल हाउंड डॉग ब्रीड के बारे में। आखिर ये डॉग ब्रीड कैसी है? अगर आप मुधोल हाउंड को कंसीडर कर रहे हो अपने पेट के तौर पे, तो मैं आपको इस डॉग ब्रीड के बारे में प्रॉपर बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी लॉयल्टी के मामले में। मुधोल हाउंड काफ़ी ज़्यादा लॉयल डॉग ब्रीड है, फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड है। मुधोल हाउंड एक हंटिंग डॉग ब्रीड के बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। मुधोल हाउंड काफ़ी ज़्यादा एक इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, जिसे कि आपको ट्रेनिंग में काफ़ी कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इसी के चलते हमारी इंडियन आर्मी मुधोल हाउंड को इस्तेमाल करती है, मिलिट्री फोर्स में भी किया जा रहा है और आर्मी के द्वारा भी किया जा रहा है मुधोल हाउंड डॉग ब्रीड को। ये आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड हो रही है, क्योंकि इस डॉग ब्रीड को आपको ट्रेनिंग में काफ़ी कम टाइम स्पेंड करना पड़ता है। साथ में ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड भी है और इसकी एक बॉडी एथलेटिक बॉडी है, जिसके चलते काफ़ी अच्छी स्पीड में अटैक भी कर सकती है। तो ये रीज़न है जिसके चलते इंडियन आर्मी मुधोल हाउंड को इस्तेमाल कर रही है। बाकी मुधोल हाउंड की स्टैम्प भी थी, पहले के ज़माने में भी इस्तेमाल किए जाते थे और ये काफ़ी ज़्यादा एंशियंट डॉग ब्रीड में से भी एक है। इसका इस्तेमाल काफ़ी टाइम पहले से किया जा रहा है। मुधोल हाउंड में एग्रेशन रिलेटेड आपको प्रॉब्लम कम देखने को मिलेगी, बाकायदा एक हंटिंग डॉग ब्रीड है उसके बावजूद। और साथ में आप इसे ईजिली बच्चों के साथ भी रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप क्या कर सकते हो, अर्ली से ज़रूर सोशलाइज करना, जिसके चलते आपको प्रॉब्लम ना आए अपने डॉग के बिहेवियर में। अदरवाइज़ आपको डॉग के बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जब आपका डॉग एडल्ट हो जाएगा तब आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये काफ़ी एग्रेशन शो कर सकते हैं दूसरे डॉग्स के लिए, साथ में बच्चों के लिए भी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसे अर्ली इसे सोशलाइज कर सकते हो। अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो फिर भी आप मुधोल हाउंड को पालना चाह रहे हो, तो आप पाल सकते हो। मुधोल हाउंड को आप ईजिली रख भी सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जब भी आप मुधोल हाउंड पप्पी लो, तो कोशिश ये करना कि आप डायरेक्ट ब्रीडर के पास जाओ, वहाँ पे जाके पप्पी को देखो, पसंद करो और फिर लेके आओ। इसी के चलते डॉग जंक्शन आप लोगों के लिए एक वेबसाइट लेके आया है, www.paradiseofpet.com, जिस पे जाके आप कोई भी पेट को सेल कर सकते हो और बाय कर सकते हो। वहाँ पे आपको डायरेक्टली जो ब्रीडर हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे, जिससे कि आप उनके पास कॉन्टैक्ट करके वहाँ से जाके पप्पी को बाय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आप इस डॉग ब्रीड को इजीली अपार्टमेंट में रख सकते हो, लेकिन आपका अपार्टमेंट का साइज़ 3 BHK का होना चाहिए, क्योंकि इस डॉग ब्रीड का जो एनर्जी लेवल है वो बाकी डॉग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप एक छोटे अपार्टमेंट में रखते हो। और अगर आप 3 BHK के अपार्टमेंट में रखते हो फिर भी आप ये सोचते हो कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसे 2 टाइम पे एक्सरसाइज पे फिर भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉग ब्रीड में एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे कि एक्सरसाइज पसंद है और आप वॉक पे जाना भी पसंद करते हो, तो मुधोल हाउंड आपके लिए काफ़ी अच्छा कंपेनियन साबित हो सकता है। मुधोल हाउंड को आप इजीली रख सकते हो हॉट क्लाइमेट में। बाकी अगर आप कोल्ड क्लाइमेट में रखना चाहते हो, तो आप इसे कपड़े पहना के ज़रूर रखना, क्योंकि इनका जो कोट होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, जिसके चलते इन्हें ठंड लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुधोल हाउंड में आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कम देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप इन्हें पक्के फर्श पर रखते हो तो इनके जॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये डॉग ब्रीड के जो पैर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं इनके बॉडी के प्रोपोर्शन में, और ये काफ़ी ज़्यादा एक फास्ट रनर डॉग ब्रीड है। तो आप कोशिश ये करना जितना हो सके कि अगर आपके पास फार्म हाउस है, आप उसकी गार्डिंग के लिए देख रहे थे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस साबित है। या फिर आप विलेज साइड में रहते हो तो आप रख सकते हो बेझिझक, आपके लिए एक अच्छा वॉच डॉग का भी काम करेगा, साथ में ये एक प्रॉपर गार्ड डॉग का भी काम करेगा। बाकी एक्सरसाइज नीड के बारे में आप लोगों को बता ही चुका हूँ। अब बात आती है मेन चीज़ पे कि इनका प्राइस क्या होता है। मुधोल हाउंड डॉग ब्रीड का जो स्टार्टिंग प्राइस होता है वो 10 to 16,000 में वैरी कर जाता है, स्टार्टिंग ही प्राइस। इसके अलावा इनकी क्वालिटी पे प्राइस और ज़्यादा डिपेंड कर जाता है। कोई भी किसी भी डॉग का एंड प्राइस नहीं होता, वो उसकी जो सेलर होते हैं उन पर डिपेंड करता है, वो किस एंड प्राइस पर सेल करना चाहते हैं। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स में बताओ कि मुधोल हाउंड डॉग ब्रीड आपको कैसी लगती है और क्या आप इंडियन डॉग ब्रीड को सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ये भी ज़रूर बताना। बाकी होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना मत भूलना, और साथ में जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों।